नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो भी हमारे पिनों के मर्चेंट हैं या जो हमारी बीसी सखी हैं, उनको कन्फर्म करने का अकाउंट खोला जाता है कि इसमें क्या बेनिफिट होता है, उनको बता दें। हम आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस सारा कुछ बताएंगे, कितने का अकाउंट, क्या प्राइस से खुलता है, क्या कस्टमर को बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो जिसका अकाउंट खोलना है उसका कस्टमर का आपको नंबर टाइप करना होता है। नंबर टाइप करने के बाद सर्च बार पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन होगा। नया टैब होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है तो ऐड अकाउंट में जाना, अगर रिचार्ज करना है तो रिचार्ज क्लिक करना है। तो आपको अकाउंट के बारे में बता रहे हैं आज, तो ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे अकाउंट, जो भी फिनो के सारे अकाउंट होते हैं, सारे के सारे आपको ओपन हो जाते हैं। इसमें आप जो भी अकाउंट खोलना चाहें, सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है प्रथम सेविंग अकाउंट। प्रथम सेविंग अकाउंट जो होता है, ये अकाउंट कस्टमर का 1300 से खुलता है। 1300 में कस्टमर को 1300 रुपये से अकाउंट ओपन होता है, उसमें कस्टमर को 1300 रुपये मिलता है। अगर वो डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहता है तो, अगर डेबिट कार्ड लेता है तो कस्टमर को 265 रुपये, इनिशियल फंडिंग होती है 265 रुपये कट के, उसको 1034 रुपये मिलेगा उसके अकाउंट में। उसके अलावा उसका एक साल का इंश्योरेंस होता है, प्लस उसको एक मंथली में 1000 रुपये मेंटेन करना होता है, एक महीने में उसको 1000 रुपये मेंटेन करना होता है, और उसमें कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है। उसके नीचे होता है भविष्य सेविंग अकाउंट। भविष्य सेविंग अकाउंट जो होता है, ये सिर्फ बच्चों के लिए होता है अकाउंट। ये 10 से 17 साल तक के लिए खोला जाता है। इसमें 350 रुपये का से अकाउंट ओपन होता है। इसमें कस्टमर को 2 साल का इंश्योरेंस होता है, प्लस उसको डेबिट कार्ड भी होता है, डेबिट कार्ड भी लागू होता है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि इसमें AEPS यानी आधार पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अगर कोई भविष्य अकाउंट का कस्टमर है तो वो सिर्फ फिनो के मर्चेंट के द्वारा ही पैसे निकाल सकता है, ना कि किसी अदर आईडी से, ये आधार के माध्यम से अपना पैसा नहीं निकाल सकता है। उसके नीचे होता है जन सेविंग अकाउंट। जन सेविंग अकाउंट जो होता है, 18 प्लस यानी 18 साल के ऊपर का खोला जाता है। इसमें 250 रुपये की इनिशियल फंडिंग होती है। 250 रुपये का अकाउंट खुलता है, लेकिन इसमें कस्टमर को डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, यानी वो डेबिट कार्ड उसको नहीं मिलता है। सिर्फ 250 रुपये से अकाउंट इसका ओपन होता है। इसमें कस्टमर एक बार में अपना 50,000 रुपये ब्रांच से निकाल सकता है, मर्चेंट से निकाल सकता है। उसके अलावा सबसे नीचे इसके नीचे होता है सरल सेविंग अकाउंट। जो सरल सेविंग अकाउंट होता है, ये सैलरी अकाउंट होता है। ये सैलरी अकाउंट हर कस्टमर का नहीं खुलता है। जो भी हमारे कहीं फैक्ट्री या कहीं पे जॉब करते हैं या कोई कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सेविंग अकाउंट वहाँ पे उनका खोला जाता है। उसके नीचे होता है प्रगति करंट अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है, ये करंट अकाउंट होता है। इसका करंट अकाउंट में क्या होता है कि आप, इसकी लिमिट ज़्यादा होती है, ठीक है। करंट अकाउंट हर व्यक्ति अपना नहीं खुलवाता है। करंंट अकाउंट, दो करंट अकाउंट होते हैं हमारे, एक तो प्रगति करंट अकाउंट होता है, एक संपन्न करंट अकाउंट होता है। दो अकाउंट करंट अकाउंट होते हैं हमारे। उसके नीचे होता है सबसे नीचे शुभ सेविंग अकाउंट। शुभ सेविंग अकाउंट होता है सबसे ज़्यादा खुलने वाला अकाउंट ही। इसमें क्या होता है, 450 रुपये से अकाउंट खुलता है। इसमें कस्टमर को 2 साल का इंश्योरेंस मिलता है, प्लस को डेबिट कार्ड भी मिलता है। उसके अलावा क्या होता है, डेबिट कार्ड के अलावा उसको 2 साल का इंश्योरेंस होता है, डेबिट कार्ड मिलता है। उसके अलावा कस्टमर अपना अकाउंट बैलेंस रखे या ना रखे, तो उसका अकाउंट सुचारू रूप से चालू रहता है। उससे मतलब वो अपने अकाउंट में बैलेंस रखे, मतलब कोई मेंटेन बैलेंस को नहीं करना है,